हरियाणा ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे आ गए हैं, जिसमें 57% लड़के पास हुए हैं, 73% लड़कियां पास हुई हैं। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार गंभीर कोशिश कर रही है। आज हरियाणा ओपन के 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। रिजल्ट घोषित करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह और सचिव अनिल लागर ने बताया कि इस बार 10वीं के 23,969 परीक्षार्थियों में से 2,885 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा में शामिल 32,007 छात्रों में 5,656 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार 10वीं कक्षा में 23,969 छात्रों परीक्षा दी और जिनका पास प्रतिशत रहा 12.4%। इसमें 18,335 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिनका पास प्रतिशत रहा 13.62% और 5,634 छात्रों ने परीक्षा दी जिनका पास प्रतिशत रहा 6.87%। ग्रामीण क्षेत्र से 18,559 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिसका पास प्रतिशत रहा 13.43%। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए रिजल्ट पर संतोष जताया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर किए जाने की भी बात कही है। और इस बार टॉप 10 बच्चों में 6 बच्चे राजकीय विद्यालय के बच्चे और जो +2 का परिणाम है वो 64.80% रहा है, पहले परिणामों से अच्छा रहा है। और राजकीय विद्यालय गांव के जो विद्यालय हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। रामविलास शर्मा के मुताबिक हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। करनाल से करमजीत के साथ, भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया।